नमस्कार, मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं द पंचायत। जब से मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाया है, तब से ही कांग्रेस के नेता अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। कुछ नेता सरकार के इस फैसले के हित में हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार इसके खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। 370 को हटाए हुए लगभग एक सप्ताह हो गया है, लेकिन अभी देश के नेता इस फैसले को सही या गलत बताने में लगे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल पर निशाना साधते हुए ये बयान दिया है कि कश्मीर की समस्याओं का जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो कश्मीर हमारे हाथों से निकल जाएगा। दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटेगा तो उसके गंभीर परिणाम होंगे, और आज वो दिन देखने को मिल रहा है। उनका कहना ये भी है कि प्रधानमंत्री ने अपने हाथ आग में झुलसा लिए हैं, ऐसे में कश्मीर को बचाना हमारी प्राथमिकता है। दिग्विजय सिंह ने इसी दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी अड़े हाथों ले लिया। दरअसल शिवराज सिंह ने अनुच्छेद 370 के मुद्दे की बात करते हुए कहा था कि जिस वक्त भारतीय सेना कश्मीर के पाकिस्तानी कबायलियों को खड़ेते हुए आगे बढ़ रही थी, उसी वक्त जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ दिन और सीज फायर की घोषणा नहीं करते तो आज पूरा कश्मीर हमारा होता। शिवराज के इसी बयान के जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह जवाहरलाल नेहरू के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह एक अकेले ऐसे कांग्रेस नेता नहीं है जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर विवादित बयान दिया है। पूर्व केंद्र मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने भी चेन्नई में इस मुद्दे पर कुछ ऐसा कहा कि लोगों में आक्रोश फैल सकता है। पी चिदम्बरम ने रविवार को कहा कि अगर कश्मीर में हिंदुओं की तादाद ज्यादा होती तो प्रधानमंत्री मोदी 370 को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम राज्य है, इसलिए नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को वहां से हटा दिया है। जब से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, तब से कांग्रेस के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे भी देखे हैं जो सरकार के फैसले के साथ हैं और सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वहीं दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम और गुलाम नबी आजाद जैसे नेता भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। संसद से लेकर मीडिया तक ये नेता इसी तरह सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के ही नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने लोकसभा में इस फैसले का जमकर विरोध किया था, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए थे और कहा था कि पीओके हमारा है और इसके लिए हम जान भी दे सकते हैं। कैमरे के पीछे सुभाष, मैं सोनम राठौर, धन्यवाद।